महादेव मेरे प्यारे दर्शकों, कल देवउठनी एकादशी है। देवउठनी एकादशी अधिकतर लोगों ने आज यानी 14 तारीख को मान ली है, लेकिन कुछ लोगों ने देवउठनी एकादशी 15 तारीख को मानी है। और देखा जाए तो देवउठनी एकादशी 15 तारीख की ही है। देवउठनी एकादशी पे आप एक उपाय करके, और अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं है या व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप यह कार्य करें और देखें कि क्या चमत्कार होगा, कि आप देख भी समझ भी नहीं पाएंगे कि कहाँ से लक्ष्मी आ रही है। आपको क्या करना है देवउठनी एकादशी पे, रात्रि में जब आप तुलसी जी की पूजन करें, शालिग्राम जी की पूजन करें, जब एक सिक्का जब आप भगवान को विराजमान करें तो उनके नीचे एक सिक्का रख दें, मतलब सिक्के पर भगवान को विराजमान करें, तुलसी माता या शालिग्राम जी को सिक्के पर विराजमान करें और फिर पूजन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब आप देवता को उठाएं, जब आप उन्हें उठाने जाएं गन्ने की झोपड़ी में, जब वह सिक्का पल्लू पसार कर अपने पल्लू में ले लें, वो सिक्के को, और हल्दी की कटोरी में रखकर उसको अपनी दुकान में, व्यवसाय में, जहाँ भी आपका जो भी काम धंधा है वहाँ रख दें। फिर आप अगले एकादशी तक जरूर ये देखिएगा कि आपको क्या फर्क दिखेगा, कितना लाभ होगा आपको। अवश्य ही यह उपाय करें, करके देखें और इसका असर आप खुद देखेंगे। अगली एकादशी पर आप खुद देखेंगे कि आपने उस एकादशी पर, मतलब इस जो इस साल की एकादशी है, उस पर जो कार्य किया था, और जो अगली एकादशी है उस पर आपके पास क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा। आप अवश्य ही यह उपाय करें और खुद असर देखें। हर हर महादेव।